नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश करंट अफेयर्स में। हम आपके लिए लाए हैं कुछ करंट अफेयर्स जो 15 मई से 30 मई तक के बीच का है। तो देखते हैं, पहला है भारत हेल्थ केयर इंडेक्स में 145वें स्थान पर है, जो 195 देशों के आंकड़ा में पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से पीछे चल रहा है। आगे देखते हैं, आईएनएसवी तरणी की टीम को नारी शक्ति पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया है, जिन्होंने नाविका सागर परिक्रमा का संचालन किया है और इसके कमांडर है वर्तिका जोशी, जो सागर परिक्रमा पर निकले थे। अगला है, प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी उर्वरक के लिए 27,000 करोड़ रुपये का अनावरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 वर्ष पूर्व बंद हो चुका था ये सिंदरी कारखाना, उर्वरक था, खाद उर्वरक। नेक्स्ट देखते हैं, देवघर में 750 बेड क्षमताओं वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट देखते हैं, रांची में गैस पाइपलाइन का आधारशिला, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के 70 जिलों में गैस आपूर्ति की आसार दी गई है। आगे देखते हैं, भारत ने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं, ज्योति सुरेखा, दिव्या दयाल और मुस्कान किरार, ये तीनों इसमें भाग लिए थे विजेता के रूप में। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK-4 के चौथे जहाज के बेड़े में शामिल होने से एडमिरल GS पब्बी 25 मई को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 22 मई 2018 को पोलिश उपन्यासकार ओल्गा टोकारचुक ने प्रतिष्ठित मान बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो उपन्यास फ्लाइट्स पोलैंड में जन्मी पहली लेखिका थी, ये उपन्यास लिखा गया, तो इसी के पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, देश के प्रथम पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस फगवारा, जो पंजाब का है। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज AB डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी बैडमिंटन खिलाड़ियों ने थॉमस कप जीता है, जो 27 मई 2018 को 3-1 जापान को हराकर जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर IPL 2018 का खिताब जीता। आगे, जो 27 मई 2018 को मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तो BCCI ने 27 मई 2018 को संयुक्त राष्ट्र के साथ पर्यावरण हित में समझौते करते हुए ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा माना है। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत, अमेरिका, जापान, गुआम में 22वें मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिए, जो 6 जून से 15 जून तक अभ्यास चला। नेक्स्ट देखते हैं, खेल संबंधी है, तो विराट कोहली वर्ष 2017-18 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चुना गया। यह तीसरा बार क्रमशः लगातार, ये 11-12 में भी चुने गए थे, वर्ष 13-14 में भी और 17-18 में भी। आगे देखते हैं, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया, जो वर्ष 2018 का थीम था टोबैको एंड हार्ट डिजीज। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जून के करंट अफेयर्स लोड करेंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे।